हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 के एग्जांपल्स, ठीक है ना। उससे पहले एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 हमने छोड़ दिया था पिछले वीडियो में, तो उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन इक्वेशन ऑफ हूज साइड्स आर, मतलब हमें एक समाकलन विधि से त्रिकोणमितीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं हमें दे रखी हैं, है ना। साइड हमें गिवन है 3x-2y = 0, x+2y-7 = 0 एंड x-2y+1 = 0, ठीक है ना। अब देखो, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें वर्टिसेस दे रखे थे, हमें उसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, उस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें वर्टिसेस निकालने हैं। वर्टिसेस क्यों निकालने हैं? ताकि हम ग्राफ पे उसको प्लॉट कर सकें, ठीक है ना। तो इसके वर्टिसेस निकालेंगे इक्वेशंस की हेल्प से, फिर हम ट्रायंगल का ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन में, उसके बाद उसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो वर्टिसेस निकालने के लिए ये तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, इन तीन इक्वेशंस को मैं आपस में सॉल्व करूंगा और एक्स और वाई का वैल्यू निकालूंगा। जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा वही जो ट्रायंगल है उनके वर्टिसेस होंगे। तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे इक्वेशंस, इक्वेशन हमें दे रखी हैं 3x-2y+3 = 0, ठीक है ना, और x+2y-7 = 0, और एक है हमारे पास x-2y+1 = 0। बात समझ भाई। अब देखो, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हम dx एलिमेंट लेते हैं, और dx एलिमेंट लेने का मतलब होता है कि हम y फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसलिए यहाँ से इन सब में से हम y का वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 2y = मिलेगा 3x+3, इसका मतलब y = आ जाएगा 1/2 3x+3, या आप इसको इस तरीके से लिखो y = 3x/2 और 3/2। बात समझ भाई, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 2y = में मिलेगा 7-x, यानी y = 7/2 x/2। क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y = में मिल जाएगा x/2 + 1/2, ठीक है ना। तो इनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड बोलेंगे। बात समझ भाई, ठीक है ना। अब दो इक्वेशंस लेनी है, उनको सॉल्व करना है और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। देखो, y = है ये दिस थिंग, ठीक है ना। तो y = अगर ये है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 3x/2 + 3/2 = 7/2 - x/2, ठीक है ना। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 3x/2 + x/2 = 7/2 - 3/2, ये आ जाएगा 4x/2 = 7-3 = 4/2। बात क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी x = में मिल गया 1। यदि x = 1 है तो y = कितना हो जाएगा, है ना। x = 1 आप इस इक्वेशन में रखो या इस इक्वेशन में रखो, ठीक है ना। तो आप किसी भी इक्वेशन में लिख लो। तो मैंने लिखा y = 3/2 × 1, x का वैल्यू +3/2, ठीक है ना। तो y = हो जाएगा ये 3 × 3 = 6/2, यानी y = में मिल गया 3, ठीक है ना। तो एक वर्टिसेस हमारे पास आ गया, जैसे हमने कहा a, यानी एक वर्टिसेस a हमारे पास आया जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 3, ठीक है ना। अब हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने पॉइंट निकाला है ये किस किस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके निकाला है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनकी लाइंस होंगी कुछ। मान लो कि ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये पॉइंट निकला ए। तो हमें ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट हमने निकाला है ये कौन कौन सी इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके निकाला है, क्योंकि उन दोनों इक्वेशंस का ही वर्टिसेस होगा ये, मतलब उन दोनों इक्वेशंस का ये क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इस बात पर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे और मैं आगे भी समझाऊंगा इसको कि हमें ध्यान क्यों देना है। क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दो आप, तो आ जाएगा 7/2 - x/2 = x/2 + 1/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x/2 + x/2 = 7/2 - 1/2। तो यहाँ से मिला हमें 2x/2 = 6/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट, यानी x = में मिला 3। देखते हैं कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा, x = 3, यस, ठीक है ना। तो x = 3 उठा के आप इन दोनों क्वेश्चन में किसी में भी रख दो, तो y = हम लिख लेंगे इसको 7/2, इसी क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, -3/2, तो y = में मिल जाएगा ये
4 बाई टू यानी y इक्वल टू आ गया 2। तो एक पॉइंट B हमारे पास आया, ठीक है ना, 3, 2। बात क्लियर है। इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो तो ये हो जाएगा 3 बाई टू इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 1/2, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3x/2 - x/2 इज इक्वल टू 1/2 - 3/2, तो ये हो जाएगा 2x/2 इज इक्वल टू -2/2। इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू आ गया -1। अगर x इज इक्वल टू -1 है ना, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू मिल गया -1, ठीक है ना। तो x इक्वल टू -1 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2 + 1/2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट C हमारे पास आया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से, ये सेकंड थर्ड इक्वेशन से, और ये फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से, ठीक है ना। तो इतना आप कॉपी करेंगे, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो हमने तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के पास हमारे पास तीन वर्टिसेज आए ए बी सी। हमें क्या याद रखना है कि ए जो वर्टिसेज है वो 1 और 2 इक्वेशन का है, बी सेकेंड एंड थर्ड का है, एंड सी फर्स्ट एंड थर्ड का है, ठीक है ना। तो इन पहले वर्टिसेस को इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जो ट्रायंगल मेड हो रहा है उसे हम देखेंगे क्या ट्रायंगल बनता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है ना। तो 1, 3, तो 1, 3 आपको कहीं मिलेगा इस तरफ, 1, 3 मान लो इस जगह पे, पॉइंट ए 1, 3। बात समझ में आई? फिर आपको बी मिलेगा 3, 2, ठीक है ना। तो कहीं 3, 2 यहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट बी 3, 2। क्लियर है, ठीक है ना। फिर पॉइंट सी हमने निकाला -1, 0। तो -1 कहीं यहाँ होगा, 0, इट मीन्स ये इस एक्स एक्सिस पे मिलेगा हमें पॉइंट सी -1, 0। तो इन पॉइंट्स को जॉइन करते हैं, तो ये जो ट्रायंगल बना हमारे पास इस तरीके से। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो आप पॉइंट्स तो हमने दे दिए ए बी सी, अब बस इक्वेशंस हमें इसमें रखनी है कि ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन की लाइन है, ठीक है ना, और ये लाइन किस इक्वेशन की है, ये लाइन किस इक्वेशन की है, तो वो हम देखेंगे, है ना। तो इसलिए हमने ध्यान दिया कि जो ए पॉइंट है वो 1 और 2 का है, ठीक है ना। तो ए पॉइंट किसका है, फर्स्ट एंड सेकेंड का। बात क्लियर आई? और बी पॉइंट किसका है, बी पॉइंट किसका है, सेकेंड एंड थर्ड का। मतलब इन दोनों में, इसमें और इसमें जो है वो इक्वेशन नंबर 2 कॉमन है। बात क्लियर है? ए जो पॉइंट था वो फर्स्ट सेकंड का था, बी जो पॉइंट है वो सेकंड थर्ड का है। इसका मतलब ये जो बी पॉइंट हमारे पास आया, ये जो बी पॉइंट आया, ये इन तीनों इक्वेशंस में कॉमन है, इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम बता सकते हैं कि ये जो लाइन होगी ये किसकी होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड की। तो इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देंगे यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू 7/2 - x/2, इस तरह से। बात क्लियर है? अब एक पॉइंट बी की बात करें, ठीक है ना, पॉइंट इक्वेशन ये वाली हो गई, ठीक है ना। अब इस वाली लाइन की बात करते हैं, तो देखो सी जो पॉइंट आया वो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड से आया, ठीक है ना, और ए पॉइंट जो आया वो फर्स्ट एंड सेकंड से आया। इसका मतलब इक्वेशन इसमें फर्स्ट कॉमन हो गई, तो ये वाली इक्वेशन ये वाली लाइन देगी। तो वाई इज इक्वल टू 3/2x + 1/2, ठीक है ना, इस तरीके से। बात क्लियर है? फिर हमें सी बी सी लाइन के लिए इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। तो बच गई ये वाली क्वेश्चन, तो इसको लिख देंगे y इक्वल टू x/2 + 1/2। तो इसमें हमारे पास जो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें कि ये जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं, उस पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल में जो साइड्स हैं उनकी कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। स्टूडेंट्स, जब मैंने वापस वीडियो को देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आपके ये अच्छे समझ में नहीं आया होगा, तो इस वाले पार्ट को मैंने वापस समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर बात की थी कि जब मैंने ये पॉइंट ए निकाला तो हमने इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को काम में लिया, ठीक है ना। यानी मैं यहाँ लिखूँ कि जब मैंने इस पॉइंट ए को निकाला तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये निकाला, बासन भाई, और जब मैंने ये पॉइंट बी निकाला तो मैंने सेकंड एंड थर्ड का यूज़ किया। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को इस पॉइंट बी के लिए, ठीक है ना। तब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो कॉमन है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, कॉमन। तो ये लाइन
का इक्वेशन होगा ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 7/2 माइनस एक्स बाई टू, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बात समझ में ना। तो इसमें जो इक्वेशन कॉमन है वो इक्वेशन की लाइन होगी ये, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, सॉरी मैंने पॉइंट ए निकाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, और मैंने पॉइंट सी निकाला मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड से। तो इसके मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लाइन होगी ये वाली, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम y इक्वल टू 3/2x + 3/2, इस तरीके से, और रिमेनिंग इक्वेशन इस वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, तो y इक्वल टू x/2 + 1/2, ठीक है ना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अब शायद आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकाल लिया। अब हमें एरिया फाइंड करना है ये वाला, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना। हमारे पास x और y में सारी लिमिट्स हैं हमारे पास, तो हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है। तो देखो इस वाले इक्वेशन को, इस वाली लाइन को मैं इंटीग्रेट करूँगा, ऐड करूँगा उसमें इस लाइन का इक्वेशन, फिर मैनेज करूँगा उसमें ये लाइन का इक्वेशन, बात क्लियर है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी ए, ठीक है ना। कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 और y ए बी वाली लाइन है ना, सॉरी ए सी लाइन इंटू डी एक्स, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। क्या कहा हमने, इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1, y इक्वेशन लिखी हमने ए सी वाली लाइन की, है ना, ए सी वाली लाइन की, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 y, ये जो लाइन है वो है ए बी लाइन इंटू डी एक्स माइनस साइन इंटीग्रेशन -1 से लेकर 3 y इंटू डी एक्स, और ये जो y है वो किस लाइन का है, ए बी सी लाइन, इस तरीके से, बात सुन भाई, ठीक है ना। तो इसमें y का वैल्यू रखना है, इसको इंटीग्रेट करना है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, हमारा जो एरिया है वो आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो फाइनली एरिया ऑफ ए बी सी ए में हमें ये मिला, ठीक है ना। तो इसमें हमें y का वैल्यू पुट करना है, हमने लाइन्स लिख दी हैं किस लाइन का क्या इक्वेशन है, तो y का वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 ए सी लाइन, ए सी लाइन हो जाएगा 3/2x + 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 ए बी लाइन हो जाएगा आपका 7/2 - x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन -1 से लेकर 3 बी सी लाइन हो जाएगा आपका x/2 + 1/2 dx, बात सुन भाई, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो हो जाएगा 3/2 x²/2 + 3/2 x, ठीक है ना। -1 से लेकर 1 + 7/2 x - x²/2 - 1/2 है ना, -1/2 भी तो है आगे, -1/2 बाहर निकला, x का किया तो x²/2, ये हो जाएगा 1 से लेकर 3 -sin x²/4 + x/2 और लिमिट्स -1 से लेकर 3। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे हम, ठीक है ना, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये हो जाएगा 3/4 अपर लिमिट करने पर +3/2, इस तरीके से। माइनस साइन -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3/4 - 3/2 लोअर लिमिट रखने पर, ठीक है ना। प्लस ये आ जाएगा 21/2 - 7 3 = 21/2 माइनस ये हो जाएगा 9, है ना, 3² 9 यानी 9/4 अपर लिमिट रखा माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो 7/2 - 1/4, क्लियर है। माइनस साइन अपर लिमिट रखेंगे तो 9/4 + 3/2 और लोअर लिमिट रखने पर हमें मिलेगा 1/4 - 1/2, इस तरीके से, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इसको, पहले आप ब्रैकेट्स जो है वो ओपन कर लो, तो आ जाएगा 3/4 + 3/2 - 3/4 - 3/2, ठीक है, +21/2 - 9/4 - 7/2 + 1/4 माइनस साइन 9/4 + 3/2 - 1/4 + 1/2, बात समझ में आई। तो यहाँ देखो सिंपली 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट हो गया, है ना, और 3/4 3/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो 3/2 + 3/2 यानी 6/2, बात समझ में आई। प्लस
इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसमें एलसीएम ले लिया 4, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 9 माइनस 14 प्लस 1, है ना। एलसीएम ले लो आप, आपको ज़्यादा टफ नहीं करना है कैलकुलेशन को, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत गलतियाँ होती हैं। ईजी गोइंग आपको सॉल्व करना है, जितना ईजी हो सके उतना ईजी करो बच्चों के जैसे। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 2, बात समझ भाई। तो सॉल्व करेंगे इसको, लिख लेते हैं, ये मिलेगा हमें 3 प्लस, इसको सॉल्व करने पर तो ये हो जाएगा 43 माइनस 23 अपॉन 14 प्लस 9, है ना, माइनस 9 माइनस 14 माइनस 23 अपॉन 4, माइनस साइन कितना मिलेगा ये 9 टू 11 6 17 माइनस 1 अपॉन 4, 17 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 20 बाई 4 माइनस 16 बाई 4, यानी 3 प्लस 5 माइनस 4, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा जो फाइनल एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट आएगा, किसका, एरिया ऑफ ए बी सी है, मतलब उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट, बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको, तो नेक्स्ट मिसलेनियस एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 17 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू साइन एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। मतलब उसने कहा कि एक वक्र है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर और एक है हमारे पास वाई इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित जो इनके बीच का क्षेत्र है उसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू साइन एक्स हमने कहा, ठीक है ना, वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो इसे सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई ओरिजिन, ठीक है ना। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो रेडियस जो है वो पाई है, तो ये बनाया हमने, ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा पाई कॉमा जीरो, बात समझ भाई। उसने कहा फिर वाई इक्वल टू साइन एक्स, अब देखो वाई देखो यहाँ कहीं बीच में होगा पाई बाई टू, ठीक है ना, और साइन पाई बाई टू होता है वन, इसका और साइन पाई होता है जीरो, इसका मतलब साइन का ग्राफ इस तरीके से आएगा, बात समझ भाई, ठीक है ना। तो इस सर्कल और इस वाई इक्वल टू साइन एक एक्स में जो एरिया है ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये सर्कल और साइन एक्स के मध्य नहीं है, है ना, ये जो पार्ट है ये सर्कल और साइन एक्स के मध्य में नहीं है, साइन एक्स और सर्कल के मध्य में क्या है, ये वाला पार्ट ऊपर वाला, तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो देखो लिमिट्स तो पता है मैं जीरो से लेकर पाई लग जाएगी, सिर्फ सर्कल वाले इक्वेशन में से मुझे इस साइन एक्स वाले इक्वेशन को माइनस करना है, बात समझ भाई। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई किसका निकालेंगे, सबसे पहले हम सर्कल का, है ना, वाई इंटू डी एक्स किसका आ जाएगा, ये सर्कल का, ठीक है ना। माइनस करेंगे इसमें इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई वाई, कौन सा है ये साइन एक्स वाला, इंटू डी एक्स, बात क्लियर है। तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा कितना, पाई स्क्वायर माइनस सॉरी पाई स्क्वायर, यहाँ से आप निकालो वाई का वैल्यू, अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, बात समझ भाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए, ए कितना है पाई, यानी पाई स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी एक्स अपॉन पाई, लिमिट्स जीरो से लेकर पाई, माइनस साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हो गया प्लस इंटू कॉस एक्स, लिमिट्स जीरो से लेकर पाई, बात समझ भाई, ठीक है ना। तो सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर अपर लिमिट करने पर, देखो ये वाला पार्ट मुझे जीरो मिलेगा क्योंकि पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो सिर्फ इस वाले पार्ट में मुझे मिलेगा क्या, पाई बाई स्क्वायर बाई टू
इंटू साइन इनवर्स पाई अपॉन पाई, ठीक है ना। और लोअर लिमिट रखने पर ये दोनों टर्म क्या हो रही हैं, जीरो हो रही हैं। फिर प्लस अपर लिमिट रखेंगे कॉस पाई और लोअर लिमिट रखेंगे कॉस जीरो, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स वन प्लस कॉस पाई होता है माइनस वन, माइनस वन, और कॉस जीरो होता है वन यानी माइनस वन, इस तरीके से, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, पाई स्क्वायर बाई टू, साइन इनवर्स पाई होता है पाई बाई टू पे, माइनस टू, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई पावर थ्री अपॉन फोर माइनस टू स्क्वायर यूनिट। तो जो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं ये वाला पार्ट, ये कितना आ जाएगा, पाई क्यूब बाई फोर माइनस टू स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कॉपी करेंगे इसे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई सर्कल्स, दो सर्कल दे रखे हैं एक्स का प्लस वाई स्क्वायर टू वन एंड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है ना। दो व्रत है उनका, हमें सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, उसके हमें मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस एग्जाम्पल करने से पहले एक छोटी सी बात हम शेयर करेंगे आपस में, ठीक है ना, कि सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होता है। जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपने इसको ड्रॉ किया ग्राफ के ऊपर इस तरीके से, आपने कहा ये जो रेडियस है वो ए है, यानी ये जो पॉइंट है ये ए कोमा जीरो है, तो इसका सेंटर आपको मिला जीरो कोमा जीरो, वो किस तरीके से मिलता है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को ले सकता हूँ इस तरीके से, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। इस बारे में थोड़ा ध्यान देना, मैंने एक्स माइनस लिखा है, प्लस नहीं लिखा, अगर मैं यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस ही आएगा, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसके अंदर ही माइनस है, बात समझ में आई। और दूसरा मैंने लिखा यहाँ पर, मान लो इस तरीके से ये लिख लेते हैं x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, बात क्लियर है। तो इस इक्वेशन को मैं वापस इस तरीके से भी ले सकता हूँ, x माइनस इस वन को मैंने ब्रैकेट में डाला का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू वन। इसका मतलब यहाँ से जो सेंटर निकला वो निकला जीरो कॉमा जीरो, हमने माइनस साइन नहीं लिया, हमें यहाँ भी माइनस साइन नहीं लेना है, तो वन कॉमा जीरो इसका सेंटर निकलेगा, बात समझ में आ रही है। तो इसका जो मैं सर्कल बना सकता हूँ, तो वो सर्कल जो बनेगा उसका सेंटर होगा वन कोमा जीरो, तो वन कहीं यहाँ होगा एक्स एक्सिस पे वन कोमा जीरो। तो इसको सेंटर मानते हुए हम जो सर्कल बनाएंगे वो इस इक्वेशन का सर्कल होगा, ठीक है ना। रेडियस कितना है इसका, वन, बात समझ में आई। एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, इस तरीके से, बात समझ में आई। तो इसका सेंटर निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ x माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इक्वेशन में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारे पास माइनस है, ठीक है ना, तो माइनस हमें यहाँ छोड़ना है, बाकी जो भी हमें यहाँ पॉइंट मिलेगा वो उस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स के अंदर आएगा। तो आ जाएगा माइनस टू कॉमा जीरो, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकला, वन कॉमा जीरो, समझ में आ रहा। और यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, माइनस टू कॉमा जीरो, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं प्लस दे रखा था, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में प्लस नहीं है, क्या है, माइनस। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, माइनस टू कॉमा जीरो। तो अगर इसका ग्राफ बनाएं तो माइनस टू कॉमा जीरो का यहाँ होगा माइनस टू कॉमा जीरो, और इसका जो रेडियस है वो है वन, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये मान लो हमने वन माना, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा माइनस टू कॉमा जीरो, बात समझ आई। तो इस तरीके से हमें इन सर्कल्स का सेंटर फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात थी जो हमें करनी थी, आगे हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले इक्वेशंस लिख लेंगे, इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स दे रखी है हमें क्वेश्चन में, तो वो लिख लेते हैं, फिर उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, तो फर्स्ट वाला जो सर्कल है वो तो ओरिजिन हो जाएगा इसका सेंटर, और रेडियस है उसकी वन, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पॉइंट मिलेगा मुझे वन कॉमा जीरो, बात समझ भाई। और जब मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूंगा तो यहां से इसका सेंटर निकलेगा, सेंटर इसका क्या निकल रहा है, सेंटर क्या निकल रहा है इसका, वन कॉमा जीरो, ठीक है ना। तो इस सर्कल का सेंटर है वन कॉमा जीरो, तो वन कॉमा जीरो को सेंटर मानते हुए मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और उसका रेडियस भी कितना है वन, तो देखो रेडियस तो ये आ जाएगा वन, मतलब वो ओरिजिन को पास करते हुए निकलेगा, बात समझ आ रही है ना।
किसको पास करते हुए निकलेगा, ओरिजिन को, क्योंकि रेडियस क्या है वन, तो और ये होगा उसका सेंटर और इधर भी हमें मिलेगा वन, तो इस तरीके से उसका जो सर्कल है वो बन जाएगा। बासन भाई यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, और ये जो सर्कल है वो हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। बस में तो इनके बीच में जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हमें फाइंड करना है। पहली बात, दोनों सिमेट्रिक हैं, हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पार्ट का निकालने के बाद में हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी बात, जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना कि इधर वाले पार्ट का, इसमें लेफ्ट और राइट दो पार्ट मैंने बनाए, तो लेफ्ट वाले पार्ट का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस लिमिट में, और यदि मुझे राइट वाले पार्ट का एरिया निकालना होगा तो मैं इस वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा इस वाली लिमिट में, तो मुझे सिर्फ ये पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना, तो यहां से आप y स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, तो y स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसमें पुट कर देंगे x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो क्या मिल गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो x हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/2। असल में तो इसका मतलब इसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 1/2, और हमें y की ज़रूरत नहीं है, तो 1/2, y मैं इसको लिख सकता हूँ। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब जब हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो ओ ए बी ओ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ मैं इंटीग्रेट करूँगा 0 से लेकर 1/2, 0 से लेकर 1/2, और कौन सा सर्कल होगा ये वाला। ठीक है ना, और इस सर्कल का आप लिख लो सर्कल 2 है ना, वाई C2 मतलब क्या हुआ, सर्कल 2 है ना, ये सर्कल 1 सर्कल 2 सर्कल 2। ठीक है ना, इनटू dx इसमें हम ऐड करेंगे इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, y सर्कल 1 आ जाएगा यहाँ पर सर्कल 1 इंटू dx, इस तरीके से। बात समझ में, अब यहाँ से देखो y का वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा मुझे 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से जो y का वैल्यू है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक तो हमारे पास y का वैल्यू ये आया और दूसरा हमारे पास y का वैल्यू ये आया। ठीक है ना, तो ये तो है C1 यानी सर्कल 1 और ये है C2 यानी सर्कल 2। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1/2 सर्कल 2 हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर 1 और सर्कल 1 हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर से ये जो सर्कल है इसे रहने देते हैं सर्कल को, तो ठीक है ना, इधर से हम रफ कर देते हैं इसको, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं इस समय पर, तो इधर से हम इसको रफ कर देंगे। क्वेश्चन भी रख कर देते हैं, ठीक है ना, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो फॉर्मूला हमारे पास वही लग जाएगा, आ जाएगा एक्स बाई टू यानी एक्स माइनस 1/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स है एक्स माइनस 1 और जो ए है वो कितना है 1, तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा सिर्फ एक्स माइनस 1, और लिमिट्स अप्लाई हो जाएगी इसमें 0 से लेकर 1/2। बात क्लियर है, ठीक है ना, प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, तो एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी एक्स, साइन इनवर्स एक्स हमें मिलेगा ओनली, और लिमिट्स जो है वो 1/2 से 1 अप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है,
अपर लिमिट करते हैं पहले, 1/2 -1 यानी -1/2 मिलेगा, है ना, 1/2 -1 जब मैं करूँगा तो मुझे -1/2 मिलेगा, यानी ये हो जाएगा -1/4। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, देखो 1/2 -1 करेंगे तो वापस कितना मिलेगा, -1/2, और -1/2 का होल स्क्वायर कितना, 1/4, तो 1 -1/4 हमें यहाँ मिलेगा, प्लस 1/2 sin inverse 1/2 -1, और ये तो आई अपर लिमिट, ठीक है ना, ये क्या आ गई अपर लिमिट, माइनस हमें करना लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट रखने पर हमें क्या मिलेगा, सब जीरो मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ जब जीरो रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 1 -1 0, और यहाँ जब हम रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा -sin 1/2 sin inverse -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने किया। लोअर लिमिट रखने पर ये टर्म तो हमें जीरो मिल रही थी, लेकिन इस टर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस लोअर लिमिट करना है, तो 1/2 sin inverse हमें क्या मिल जाएगा, ये -1 मिल जाएगा, बात समझ में, ठीक है ना। तो और इसको लिखेंगे, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, तो ये आ जाएगा प्लस 1/2, अपर लिमिट रख रहे हैं, अंडर रूट 1 -1 square, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 1/2 sin inverse 1, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, अंडर रूट 1 -1/4, प्लस 1/2 sin inverse 1/2, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, -1/4, अंडर रूट के अंदर हमें कितना मिल जाएगा, ये 3/4, ठीक है, प्लस 1/2 sin inverse -1/2, ठीक है ना, -1/2। अब देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा कितना होगा, -sin inverse θ, तो ये जगह +sin inverse 1, ठीक है ना, या फिर हाँ ऐसे ही कर लो आप इसको, +sin inverse 1, और प्लस ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 sin inverse 1 का वैल्यू, आप चाहो तो लिख दो यहाँ पर π/2 माइनस साइन, ये आ जाएगा 1/4, अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3/4, -1/2, और साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पर होता है बेटा, π/6 पे, है ना, 30 डिग्री एंगल, तो π/6 इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट्स में इजीली ओपन कर सकता हूँ क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, है ना, सारे ब्रैकेट्स हम हटा रहे हैं। ब्रैकेट्स हटाने पर ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म हो जाएगी 2, यानी -2/4 अंडर रूट 3/4 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा कितना, -sin inverse θ, तो -1/2, और साइन इनवर्स 1/2 मिलेगा, वो मिल जाएगा मुझे π/6 पे, प्लस 1/2 sin inverse 1 π/2 पर, प्लस 1/2 × π/2, अच्छा ये तो हमने लिख ही लिया, ये आ जाएगा माइनस पाई, ऐसे लिख लो 1/2 × π/6, ठीक है ना, तो सब डबल हो गए, ये तो 2 हो गया, ये भी 2 हो जाएंगे, और ये भी 2 हो जाएंगे, तो लिखेंगे इसको -2/4 को लिख सकते हैं, -1/2 अंडर रूट 3/4 -2 × π/12, π/12 है ना, ये हो रही है, तो 2 × π/12 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 × π/4 है ना, 2 × π/4 इस तरीके से, बस समझ, तो 2 से ये 6 टाइम और 2 से ये 2 टाइम्स, तो -1/2 अंडर रूट 3/4 -π/6 +π/2 इस तरीके से हमें ये मिलेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों टर्म को हम सॉल्व कर लेंगे, तो π/2 - π/6 सॉल्व कर लो आप, π/2 - π/6, तो ये आपको मिल जाएगा 3π - π/6 यानी 2π/6 यानी कि π/3, वासन भाई। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हम बोल सकते हैं π/3 - 1/2 अंडर रूट 3/4, ठीक है ना। तो ये जो स्क्वायर यूनिट हमारे पास एरिया आया है, ये एरिया आया है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास भाग है, इस वाले भाग का, लेकिन हमें चाहिए टोटल एरिया, तो टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है, ठीक है ना, बाकी चीज़ें जो काम की नहीं है वो मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। रिक्वायर्ड एरिया जो है वो आ जाएगा 2 × एरिया ऑफ ए बी, सॉरी हमने क्या लिखा था पता नहीं, ओ ए बी ओ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 ×
एरिया ऑफ ए ओ ए बी ओ कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री बाई फोर। ठीक है, तो आप चाहो तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हो जाएगा टू पाई बाई थ्री माइनस अंडर रूट थ्री बाई फोर स्क्वायर यूनिट, इस तरीके से। ठीक है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल एरिया हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है ये पूरे वाले पार्ट का, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है ना, देखो तो यहाँ पर एक बात और कि आप चाहो तो इस आंसर को लिख सकते हो 2 पाई बाई थ्री माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट फोर होता है 2, तो ये इसको भी हम आंसर बोल सकते हैं वास्तव में। ठीक है ना, तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19, है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व्स y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू cos x एंड y एक्सिस, एंड जो लिमिट है x की वो दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है ना, वक्र दे रखे हैं sin x का cos x का, और जो x अक्ष और इस लिमिट के अंदर मध्यवर्ती क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस में तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे कर्व्स हमें दे रखे हैं y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू cos x। ठीक है ना, तो इन कर्व को हमें बनाना है इस लिमिट के अंदर 0 से लेकर पाई बाई 2 में। तो कार्टेशियन प्लेन में x y ओरिजिन, अब देखो 0 यहाँ है और पाई बाई 2 माने अपना यहाँ पर है। ठीक है ना, तो साइन का जो कर्व होगा वो इस तरीके से बनेगा ना, पाई बाई 2 पे कितना होता है वो 1 होता है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ आ जाएगा इसका 1। बात समझ में आई? ठीक है ना, कॉस का जो ग्राफ होता है वो कॉस 0 होता है 1, मतलब अगर ये यहाँ 1 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा और पाई बाई 2 पे हो जाएगा वो 0, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। वापस बना लेते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन एक्स, और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो उसने कहा कि साइन एक्स कॉस एक्स और एक्स अक्ष व इस लिमिट में जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो वाई एक्सिस ये है, साइन एक्स और कॉस एक्स इनके मध्यवर्ती क्षेत्र है ये वाला, बात समझ में? तो इस भाग का मुझे एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, तो इसको मैं पॉइंट दे दूंगा ओ ए एंड ये आ जाएगा बी। तो आपको एरिया निकालना है ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। ठीक है ना, तो एरिया निकालने के लिए हमें ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए इसको फाइंड करना होगा। ठीक है ना, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना, यानी आपको मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, आप जब कॉस एक्स को इधर लेके आओगे तो आपको मिलेगा टेन एक्स इक्वल टू वन, और टेन एक्स वन कहाँ होता है एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे। ठीक है ना, तो यानी इसमें जो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का वो आ जाएगा पाई बाई फोर, और y की हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको हमने y लिख दिया। बस समझ आई? तो एरिया निकालने के लिए इस वाले कर्व को इंटीग्रेट करूंगा मैं, y इक्वल टू कॉस एक्स को, है ना, y इक्वल टू कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है ना, तो ये हमें एरिया देता है यहाँ तक, और ये वाला जो एरिया हमें देगा ये वाला, तो ये वाला माइनस करने के लिए इस वाले में से इस वाले को हम माइनस कर देंगे। बस समझ आई? तो लिमिट्स आ जाएगी 0 से लेकर पाई बाई 4, सबसे पहले किसकी लगानी हमें कॉस एक्स की, तो y इंटू डी एक्स ये आ जाएगा कॉस एक्स वाला y। ठीक है ना, माइनस करेंगे इसमें पाई बाई 4, 0 से लेकर पाई बाई 4 ही है लिमिट, y किसकी साइन एक्स की। ठीक है ना, इंटू डी एक्स, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, लिमिट्स आ जाएगी 0 से लेकर पाई बाई 4, और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, लिमिट्स आ जाएगी 0 से लेकर पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यानी साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0 प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0। ठीक है ना, इस तरीके से, तो साइन पाई बाई 4 होता है
वन अपॉन अंडर रूट टू साइन जीरो होता है जीरो, प्लस कॉस पाई बाई फोर होता है वन अपॉन अंडर रूट टू और कॉस जीरो होता है वन। तो ये आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट टू प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू माइनस वन, यानी टू अपॉन अंडर रूट टू माइनस वन, और आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट टू माइनस वन स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो जो फाइनल एरिया है हमारे पास ये वाला पार्ट ओ ए बी ओ, वो आ जाएगा अंडर रूट टू माइनस वन स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस थिंग, ठीक है ना। उसने कहा इस वाले पार्ट से घिरे क्षेत्र का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इक्वेशन हम लिख लेंगे एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, एक तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक वाई इक्वल टू एक्स। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें मिला इक्वेशन नंबर फर्स्ट और वाई इक्वल टू एक्स हमें मिला इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है पैराबोला का, पैराबोला, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये है लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, देखेंगे किस वाले पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना होगा। इसमें ग्राफ बना लेंगे तभी पता चलेगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब x आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y हमेशा क्या मिलना है आपको पॉजिटिव मिलना है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जो है वो बन जाएगा, बासन भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। उसने कहा y इक्वल टू एक्स, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी y इक्वल टू एक्स। तो ओरिजिन से कुछ इस तरीके से पास हो रही है, तो ये तो लाइन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स, बासन भाई। तो इस वाले पार्ट का मुझे एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट निकलना होगा मेरे को, पॉइंट ए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड सेकंड। ये पॉइंट निकाल लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे लाइन के इक्वेशन में से, माइनस करेंगे पैराबोला का इक्वेशन, क्लियर है, ठीक है ना, साफ दिखाई दे रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वाई इक्वल टू एक्स आप इक्वेशन में लिखो तो एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यानी एक्स आपको मिल गया वन। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ए का एक्स वो आ जाएगा वन, और वाई वाले की अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि जो एलिमेंट हम लेंगे वो लेंगे डी एक्स, बात समझ में आ रही है ना। जो एलिमेंट लेंगे वो क्या लेंगे डी एक्स। तो इसमें इंटीग्रेट करेंगे या फिर एरिया निकाल लेते हैं, पहले एरिया ऑफ ओ ए ओ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर वन, जीरो से लेकर वन लाइन का इक्वेशन वाई इंटू डी एक्स, और ये जो वाई है वो किसका है लाइन का। इसमें हमें माइनस करना है इंटीग्रेशन जीरो से लेकर वन वाई इंटू डी एक्स, और ये जो वाई है वो किसका हो जाएगा इस पैराबोला का, पैराबोला, क्लियर है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन जीरो से लेकर वन लाइन का क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो से लेकर वन पैराबोला का क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बात समझ भाई। तो एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स के पावर थ्री अपॉन थ्री, और जो लिमिट्स हैं जीरो से लेकर वन दोनों में अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो देखो लोअर लिमिट तो हमें दोनों में ही जीरो मिलेगा, सिर्फ अपर लिमिट रखना है, इसका मतलब हमें मिलेगा ये वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, और वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री सॉल्व करेंगे इसको तो सिक्स थ्री माइनस टू यानी वन बाई सिक्स स्क्वायर यूनिट, बात समझ में आई। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो आ जाएगा 1 बाई सिक्स स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बासन भाई, ठीक है ना, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21 है फाइंड द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू लाइन y इक्वल टू x, x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू थ्री, ठीक है ना। तो उसने एक वक्र दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, और ये रेखा दी हमें y इक्वल टू x, x इक्वल टू जीरो तथा x इक्वल टू थ्री, और इससे घिरे क्षेत्र का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें जो कर्व ये हमें दे रखा है ना, सॉल्यूशन में आप ये लिखोगे कर्व हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो इसे देखने से हमें पता नहीं चल रहा है ये किसका कर्व है, ठीक है ना। तो ये हमें पहले ध्यान से समझना है कि ये कर्व किसका होगा और उस कर्व को हम किस तरीके से ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, तो उसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है, ठीक है ना। देखो आपको पता है कि अभी मैंने जब सर्कल के इक्वेशन की बात करी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में माइनस रहता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ अगर मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को ले सकता हूँ y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से जो y एक्सिस पर जो पॉइंट निकलेगा
वो निकलेगा 2, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे जो कट करेगा वो कट करेगा 2 पे, और एक्स में यहाँ कितना है 0। बात समझ आ रही है कुछ? क्या कहा हमने कि वाई एक्सिस में जो कट करेगा पॉइंट वो करेगा 2 पर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो माइनस है, हमें माइनस नहीं लेना, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट लेना 2। तो वाई एक्सिस पे कहाँ मिलेगा 2 पर, और एक्स एक्सिस पे कितना है वो 0, क्योंकि ये लिख रहा है एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब इसमें जो पैराबोला बनेगा और जो इक्वेशन है वो किसका हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग, यानी ये एक पैराबोला है। तो पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा है ना, जो शीर्ष होगा वो वाई में 0, एक्स में सॉरी वाई में 2, एक्स में 0, यानी 2, 0 हमें मिलेगा। तो इसमें यदि ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस है, तो कहीं 0, 2 हमें यहाँ मिलेगा। ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं 0, 2। बात समझ में आ रही है ना? और ये पॉइंट हमने कैसे निकाला वो आपके समझ में आया कि इस 2 को हम इधर लेकर आए, हमें -2 मिला। हमने जब सर्कल पढ़ा था तो हमने समझा कि स्टैंडर्ड फार्मूले में माइनस स्टैंडर्ड फार्मूले में ही रहता है, तो माइनस साइन तो यहीं छोड़ देंगे, सिर्फ 2 निकालेंगे, यानी वाई एक्सिस पे ये कट करेगा 2 पर और एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है 0 पर, क्योंकि एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर है। और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से हम समझेंगे ये एक पैराबोला है, और पैराबोला का जो शीर्ष जो वर्टेक्स होगा वो हो जाएगा 2, 0 नहीं है, ये 0, 2 है। कितना है ये 0, 2 है ना, वाई एक्सिस पर 2 पकड़ करेगा। तो यहाँ से पास होते हुए जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बासन भाई, और इस पैराबोला को मैं बोल सकता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। बात क्लियर है, ठीक है ना? तो आप इस पर थोड़ा सा गौर करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे इस पर। और उसने कहा वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं हम, जो बाकी और जो हमें चीज़ें दे रखी हैं ना, लाइन्स लाइन्स हमें दे रखी हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वाई इज इक्वल टू एक्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होगी कुछ इस तरीके से। बात समझ नहीं, एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन ये हो गई, और उसने कहा एक्स इक्वल टू 3, यानी एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा कहीं यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 3। बात समझ नहीं, तो इनके बीच में इनका मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वो ये वाला है, तो मुझे इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। इस वाले पार्ट का एरिया जब मैं फाइंड करूँगा तो एक इसमें एलिमेंट लूँगा छोटा सा dx, और ये जो पैराबोला की जो इक्वेशन है उसमें से हमें माइनस करना है ये लाइन की इक्वेशन, तो ये वाला जो पार्ट है इसका मेरे पास एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसको मैं नाम दे दूंगा ओ ए बी सी, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ठीक है। कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट्स देखो 0 से लेकर 3 अप्लाई होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना, 0 से लेकर 3। तो लिमिट 0 से लेकर 3 वाई इंटू डी एक्स, और ये जो वाई होगा वो होगा पैराबोला का, पैराबोला इसमें से हमें माइनस करना है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 वाई इंटू डी एक्स, और ये जो वाई होगा वो हो जाएगा लाइन का। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, तभी तो हम इस वाले एरिया को फाइंड करेंगे। तो इसमें बस वाई और का वैल्यू रखना है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो इसमें वाई का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 वाई इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 लाइन का हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, इसका हो जाएगा एक्स का पावर 3/3 प्लस 2 इंटू एक्स लिमिट्स 0 से लेकर 3 माइनस साइन x² / 2, एक्स का हो जाएगा x² / 2 और लिमिट 0 से लेकर 3, ठीक है ना, 0 से लेकर 3। तो सिर्फ हमें यहाँ पर अपर लिमिट रखना है, लोअर लिमिट पर ये दोनों पार्ट 0 हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/3 प्लस 6 माइनस 9/2, ठीक है ना। एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी यहाँ बचेगा 3² यानी 9 प्लस 6 माइनस 9/2, ठीक है ना। 9 + 6 हो गए 15 माइनस 9/2, इट मीन्स 30 - 9/2, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको एरिया को फाइंड करेंगे। बासन भाई, तो कॉपी कर लेंगे इसको भी।